हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में अपकमिंग गोल्स 2024 के अपडेट के साथ हम देखने वाले हैं। जितने भी आने वाले आपके एग्ज़ाम हैं उन सभी में आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ बिल्डिंग 2020 न्यू एयरपोर्ट्स इन इंडिया बाय विच ईयर। 220 नए एयरपोर्ट्स भारत में बनाने हैं केंद्र सरकार को, और इसके लिए जो टारगेट है 2025 तक का रखा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। इस समय भारत के पास 148 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं। इंडिया हैज़ एनविसास्ड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट टू 220 बाय 2025। बाय विच ईयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट टू रन इंडियन रेलवेज एंटायरली विद ग्रीन एनर्जी। ये टारगेट है हमारा 2030 तक का। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। इंडियन रेलवे का टारगेट है नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का 2030 तक का, एंड इज कमिटेड टू टेकिंग स्टेप्स फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग 40% एनर्जी एफिशिएंसी फ्रॉम नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज बाय विच ईयर। तो ये टारगेट है भारत का 2030 तक का। इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जो है हमारे यहाँ पर इस समय, उसको 40% तक उसमें नॉन फॉसिल एनर्जी के थ्रू प्राप्त करना, 2030 तक हमें ये 40% तक जाना है। By which year has the central government set a target to make India among the top three economies of the world? दुनिया की टॉप थ्री इकॉनमीज में भारत को शामिल करना ये सरकार का टारगेट है 2025 तक का। $5 trillion की इकॉनमी भारत को बनना है 2025 तक का, और अगर ये हम अचीव कर लेते हैं तो इसके साथ ही टॉप थ्री इकॉनमीज में इंडिया शामिल हो जाएगा। इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ एक्सपोर्टिंग $1 trillion वर्थ ऑफ सर्विसेज बाय विच ईयर। हमें अपना जो हमारी इकॉनमी है कितनी बनानी है, $5 trillion की बनानी है 2025 तक का। अब सर्विस सेक्टर का जो योगदान है ना, वो हमें $1 trillion तक का करना है एक्सपोर्ट। ये टारगेट हमारा 2030 तक का है। इंडियाज़ टारगेट इज़ टू अचीव $1 trillion इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स बाई 2030, और इसी के लिए हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो काम करने में लगी हुई है इस गोल को अचीव करने के लिए। इंडिया हैज़ क्रॉस्ड इट्स एनुअल एक्सपोर्ट टारगेट इन द ईयर 2022। कितना था ये? $400 billion था। इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग 100 million टन्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन बाय विच ईयर। ये टारगेट है हमारा 2030 तक का। कोल गैसिफिकेशन का 100 million टन का टारगेट है 2030 तक का। कोल गैसिफिकेशन मिशन को लॉन्च किया गया 2020 में टू अचीव दिस गोल। इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग 450 GW ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय विच ईयर। ये हमें प्राप्त करनी है 2030 तक। 450 GW का टारगेट है। इसके ज़रिए क्या होगा? इट वुड ट्रिपल इंडियाज़ करंट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन लेस देन 10 ईयर्स, इंक्रीज द शेयर ऑफ रिन्यूएबल टू 40% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एंड रिक्वायर मेजर इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड इंटीग्रेशन। इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ 50% क्लीन एनर्जी शेयर बाय विच ईयर। ये टारगेट है 2030 तक का। 50% जो एनर्जी सोर्सेज है हमारा वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड रहेगा 2030 तक में, ठीक है। इंडिया हैज़ सेट द टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग फिशरीज एक्सपोर्ट्स टू $1 trillion बाय विच ईयर। इसको 2024-25 तक जो फिशरीज़ के क्षेत्र में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसे $1 trillion का बनाना है अगले 2 सालों के अंदर, बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड अ शिफ्ट टू हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा, $1 trillion नहीं, $1 trillion। By which year has the central government set a target of completely eradicating malaria from India? भारत से मलेरिया को पूरी तरह से इरेडिकेट करने का टारगेट कब तक का है? 2030 तक का है। इसके लिए नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016 से 2030, इसे लॉन्च किया गया था 11 फरवरी 2016 में इस गोल को अचीव करने के लिए। अब इस गोल में क्या क्या है? 2030 तक मलेरिया को एलिमिनेट करना है पूरे देश से, मेंटेनिंग मलेरिया फ्री स्टेटस इन एरियाज वेयर ट्रांसमिशन हैज़ बीन इंटरप्टेड, और फिर उसके बाद मलेरिया के री इंट्रोडक्शन को प्रिवेंट करना है, ठीक है, दोबारा से मलेरिया ना शुरू हो जाए इसका भी ध्यान रखना है। बाय विच ईयर हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट अ टारगेट टू टर्न इंडिया इंटू अ स्पोर्ट्स नेशन। ये टारगेट है 2047 तक का, 2047 तक का। बाय विच ईयर द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग 70 per lakh लाइव बर्थ मेटर्नल मोर्टैलिटी रेशो हैव। MMR जो है, मेटर्नल मोर्टैलिटी रेशो, इसको 70 per lakh करना है, ठीक है, 1 lakh per 70, इतना कम करना है सरकार को। ये टारगेट कब तक का है? 2030 तक का है। 1 lakh लोगों में 70 की डेथ है ना, इतने तक लाना है कम करके। बाय विच ईयर हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट अ टारगेट टू मेक इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट। ये टारगेट है 2047,
2047 तक का। और नेट ज़ीरो एमिशन हमें कब तक करना है, ये 2070 तक करना है। आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के पार्ट के रूप में ये गोल्स से टारगेट रखे गए थे सरकार के द्वारा। इंडिया की एनर्जी इंडिपेंडेंस गोल, इसमें क्या क्या शामिल है, रिन्यूएबल एनर्जी, इंक्रीजिंग द इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी फ्रॉम 190 GW टू 500 GW बाय 2030, और जो रेशो है इसको बढ़ाकर 50% करना है। फिर दूसरा है ग्रीन हाइड्रोजन, शिफ्टिंग हैवी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टूवर्ड्स ग्रीन हाइड्रोजन। तीसरा है इलेक्ट्रिक व्हीकल, ट्रांजिशनिंग नियरली ऑल व्हीकल सेल टू इलेक्ट्रिक बाय 2035। By which year has the central government set a target of making the Indian economy a $5 trillion economy? ये तो हम लोग को पता ही है, 2024-25 तक का ये सरकार का टारगेट है। The central government has set a target of doubling milk processing capacity by which year? ये 2025 तक का टारगेट है। By which year the central government has set a target of running 30% of the vehicles running on the roads of the country to run electric vehicles? जितने भी व्हीकल चल रहे हैं सड़कों पर उसमें से 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, ये टारगेट 2030 तक का हमारा प्राप्त करना है हमें, ठीक है। अब इसमें भी देखिए परसेंटेज अलग अलग है, 30% ऑफ न्यूली रजिस्टर्ड प्राइवेट कार्स, 40% ऑफ बसेस, 70% ऑफ कमर्शियल कार्स एंड 80% ऑफ टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स विल बी इलेक्ट्रिक बाय 2030, ठीक है। ये सब टारगेट पर काम कर रही है सरकार। इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टर्न्स बाय विच ईयर, इसका आंसर है 2030। भारत का जो कार्बन एमिशन है उसे कम करना है, 1 बिलियन मीट्रिक टन लेकर आना है 2030 तक भारत को, ठीक है। COP26 जो हुआ था उसमें ये गोल हमने अपना डिसाइड किया था। बाय विच ईयर हैज़ इंडिया सेट अ टारगेट टू एलिमिनेट HIV/AIDS कम्प्लीटली, ये ईयर है 2030, HIV/AIDS को पूरी तरह से ख़त्म करना इसका टारगेट है 2030 तक का। इसके लिए सरकार के द्वारा नेशनल एड्स एंड STD कंट्रोल प्रोग्राम इसे शुरू किया गया, इसका फेज़ 5 को इम्प्लीमेंट किया गया है एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। बाय विच ईयर हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट अ टारगेट टू मेक इंडिया अ टीबी फ्री कंट्री 2025 तक हमें बनाना है। जो WHO है उसका गोल भी है टीबी मुक्त का, लेकिन WHO का गोल जो है वो है 2030 तक का। भारत का 5 साल पहले ही है, 2025 तक भारत टीबी मुक्त बनेगा। और इसके लिए सरकार के द्वारा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू रिड्यूस द यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बाय 80% बाय विच ईयर, यह है 2047 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज़ 80% तक भारत कम करेगा। इसके लिए एक था किगाली अमेंडमेंट और एक था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किगाली अमेंडमेंट का एम है फॉर द फेस डाउन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बाय कटिंग देयर प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, और इसी के तहत एक गोल रखा गया है कि HFC के कंजप्शन को 2047 तक 80% तक कम करना है। बाय विच ईयर हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट अ टारगेट ऑफ सेटिंग अप 20 GW ऑफ सोलर प्लांट्स ऑन वेकेंट लैंड बाय इंडियन रेलवेज, जो भी खाली ज़मीन है वहाँ पर 20 GW तक के सोलर प्लांट्स को लगाया जाएगा इंडियन रेलवे के द्वारा। ये टारगेट कब तक का है, 2030 तक का है। रेलवे का प्लान है टू बिकम अ ग्रीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड अ नेट जीरो कार्बन एमिशन रेलवे, इसी को पूरा करने के लिए रेलवे के द्वारा ये किया जाएगा। हाउ लॉन्ग हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट अ टारगेट टू मेक इंडिया अ पंच प्राण, तो 2047 है इसके लिए भारत का टारगेट पंच प्राण के लिए। 15 अगस्त 2022 में सरकार के द्वारा, PM मोदी के द्वारा इसको अनाउंस किया गया था। अभी पंच प्राण में क्या क्या आता है, इंडिया विल बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाई 2047, वी शुड बी प्राउड ऑफ इंडियाज हेरिटेज, ending the whole part of slavery, unity has to be maintained or we also have to recognize our duty, ये पंच प्राण है, पंच प्रण है, ठीक है, प्राण नहीं होगा, पंच प्रण। India has set a target of reducing the carbon intensity of the economy by less than 45% by which year, यह 2030, option B correct है। India has set a target of net zero carbon neutrality by which year, ये हम लोग पता है 2070 तक का टारगेट है। COP26 हुआ था 2021 में, वहाँ पर PM मोदी के द्वारा ये अनाउंस किया गया था। इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ गेटिंग 500 GW ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय विच ईयर, ये हमें प्राप्त करनी है 2030 तक। नॉन फॉसिल फ्यूल से 50% तक प्राप्त करनी है, ये हम देख ही चुके हैं। बाय विच ईयर इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ फिक्सिंग इथेनॉल इन पेट्रोल एट 20%, जो भी पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं उसमें 20% तक इथेनॉल को मिक्स किया जाए, ये टारगेट है हमारा 2025 तक का।
फिलहाल देखें तो 8.5% तक इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स किया जाता है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट ऑयल इम्पोर्टर, रिलाइंग ऑन फॉरेन सप्लायर्स टू मीट ओवर 85% ऑफ इट्स डिमांड, और इसीलिए किया जा रहा है, ये टारगेट रखा गया है 2025 तक का। इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ एस्टेब्लिशिंग बायलेटरल ट्रेड ऑफ $50 बिलियन बिफोर 2030 विद विच कंट्री, ये है साउथ कोरिया। विच कंट्री हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ इन्वेस्टिंग 3.2 लाख करोड़ रुपीज़ इन इंडिया इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, कंट्री है ये जापान। इंडियाज़ गोल टू सेटअप इंडियन स्पेस स्टेशन बाय विच ईयर, ये गोल है 2035 तक का। इसके अलावा हमने देखा मून के साउथ पोल पर जाने वाला पहला देश बना है भारत, जो वहाँ पर जिसने टच की है उस मून की धरती को। इंडिया का पहला सोलर मिशन क्या नाम है, आदित्य L1, ये भी सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था 2 सितंबर को। इंडिया हैज़ प्लान्ड टू सेंड फर्स्ट पर्सन टू द मून बाय विच ईयर, 2040 तक भारत मून पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की योजना बना रहा है इसरो के द्वारा। व्हाट इज़ इंडियाज़ गोल ऑफ ब्लेंडिंग 5% बायोडीजल इन डीजल, तो ये 2030 तक का प्लान है भारत का कि डीजल में 5% बायोडीजल को मिक्स किया जाए, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, येलो ग्रीज, यूज्ड कुकिंग ऑयल्स और एनिमल फैट। बायोडीजल एमिट्स 11% लेस कार्बन मोनोक्साइड एंड 10% लेस पार्टिकुलेट मैटर देन डीजल। मुंबई विल अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट बाय विच ईयर, इसको 2050 तक मुंबई के द्वारा अचीव किया जाएगा। लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है ये भारत की। नेक्स्ट है इंडियाज़ गोल ऑफ एलिमिनेटिंग मलेरिया बाय विच ईयर, ये हम देख ही चुके हैं 2030 तक का है। 2027 तक मलेरिया फ्री होना है और इरेडिकेट करना है इसे 2030 तक। मलेरिया किस वजह से होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। इंडिया विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड बाय विच ईयर, 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी। फिलहाल पांचवी लार्जेस्ट इकॉनमी है भारत दुनिया की, फोर कौन सी हैं, टॉप फोर US, चाइना, जापान और जर्मनी, और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है इन टर्म्स ऑफ PPP। नेक्स्ट है व्हेन विल इंडिया एलिमिनेट सिकल सेल अनीमिया एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, इसे 2047 तक भारत एलिमिनेट कर देगा, इस तरह का भारत का टारगेट है। सिकल सेल अनीमिया इनहेरिटेड डिजीज है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट कॉज रेड ब्लड सेल्स टू बिकम मिस हैपन एंड ब्रेक डाउन। इंडिया विल एलिमिनेट लेप्रोसी बाय विच ईयर, 2027 तक भारत लेप्रोसी को एलिमिनेट कर देगा। लेप्रोसी को हैंसन्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं, कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद द बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई, ये मेनली स्किन, आइज, नोज और पेरिफेरल नर्व को अफेक्ट करता है। लेप्रोसी डे 30 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। इंडिया विल एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बाय विच ईयर, भारत इसे 2027 तक एलिमिनेट करेगा, और ये किस वजह से होता है, इन्फेक्टेड मॉस्किटोज के कारण स्प्रेड होता है, अफेक्ट्स द लिम्फ नोड एंड लिम्फ वेसल्स। नेशनल फाइलेरियासिस डे होता है 11 नवंबर को। इंडिया विल एलिमिनेट रेबीज़ बाय विच ईयर, रेबीज़ को भारत 2030 तक एलिमिनेट करेगा। ये एक डेडली वायरस होता है जो कि एक व्यक्ति से, एनिमल से, जो इन्फेक्टेड एनिमल होता है उससे व्यक्ति में स्प्रेड होता है। रेबीज़ इज़ यूजुअली ट्रांसमिटेड थ्रू एन एनिमल बाइट, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम अ स्ट्रे डॉग्स। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया विल प्रोवाइड फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी इन ऑल विलेजेस बाय विच ईयर, भारत इसे 2025 तक प्रोवाइड करेगा। ओडिशा विल बिकम चाइल्ड मैरिज फ्री स्टेट बाय विच ईयर, ये बन जाएगा 2030 तक का। झारखंड इज द स्टेट विद हाईएस्ट चाइल्ड मैरिज रेट्स इन इंडिया, 14.1% यहाँ पर चाइल्ड मैरिज देखने को मिलती है। केरला केवल एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पर चाइल्ड मैरिज रेट्स जो हैं ये इंक्रीज हुए हैं रिसेंट ईयर्स में केरला में। इंडियाज़ न्यूक्लियर कैपेसिटी विल रीच 22,480 मेगावाट बाय विच ईयर, ये 2031 तक भारत की न्यूक्लियर कैपेसिटी हो जाएगी। करेंटली इंडिया में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं पूरे देश में, विच प्रोड्यूस 6,780 मेगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर। और फाइनली इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।